पुण्य का काम है। तो वो कहा कि दुनिया वाले करते हैं, शरीर को दान करते हैं, यहाँ आत्मा को देते हो आप। किसी को सवेरे सुना था, किसी को मुंडली पॉइंट सुनाते हो, किसको सुना रहे हो आप? आत्मा को, शरीर को नहीं। शरीर को पानी का ग्लास खाना दिया, फिर भी देते समय ये याद हो शिव बाबा का बच्चा है, ये समझ के दान करते हो तो अविनाशी दान है। समझ में आया? कर्म अकर्म विकर्म कैसे होता है, सुकर्म किसको कहते हैं और श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद 5 प्रकार के कर्म होते हैं, तब तक पता ही नहीं था, 4 ही कर्म करते थे। तो बाबा ने कहा एक का पदम गुना, तो श्रीमत के अनुसार कर्म करना चाहिए। मंजूर? अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ, इसके पर आपने प्रश्न पूछना चाहिए। कर्मों पर बहुत गति है भाई जी। कोई ऐसा करता गरीब मांगने आता है तो क्या करे? आप कहेंगे कोई गरीब दान मांगने आता है तो क्या करें, बताओ कोई तरीका है? नहीं देवे, वो कहता है पैसे दे दो, पैसे दे दो मुझे। आप कहेंगे खाना ले लो, नहीं कपड़े ले लो, नहीं मुझे पैसे चाहिए, तो क्या नहीं देगा तो नाराज हो जाएगा, नहीं तो श्राप देगा, तो क्या करना चाहिए? देना पड़ेगा ना, नहीं देना चाहिए तो श्राप देगा। सीता को कहा रावण उसने, साधु ने, अगर आप बाहर आके दे दो नहीं तो मैं श्राप दूंगा। गुस्सा होके जा रहा था तो आप भी डर जाएंगे, उसके श्राप लग जाएगा, आप भी कहेंगे ले लो, चलेगा? क्या करना चाहिए? बाबा की स्मृति में दे रहे आपने, वो कहते मुझे पैसे चाहिए, खाना नहीं चाहिए, तो आप कहते बाबा यार जैसे करके पैसे दे दो, चलेगा? वो फिर शराब पिएगा, तंबाकू खाएगा, तो क्या कहना चाहिए? ज्ञान दे, ज्ञान सुनेगा। आजकल गरीब को कोई भीख मांग रहता है, कोई खाना कपड़ा कुछ नहीं, पैसे दे दो। ऐसा गिरा कहाँ से? ऊपर से गिरा। हाँ बच्चों ने पैसे देखा, देखो माता जी को दान करो। बताओ क्या करना चाहिए? आत्मा ही देखा आपने, आपने अंदर ज्ञान है, लेकिन आप वो पैसे दे दो मांगता है, क्या करे आप? देवे नहीं देवे, नहीं देगा तो गुस्सा होगा, कुछ बोलेगा, श्राप देगा, फिर आपके मन में देखा अरे देखो पैसे दे देता था, देखो उसने ऐसे गलत बोला, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसे श्राप देते हैं। नहीं डरेंगे नहीं। हाँ तो भी जानना चाहिए, अगर कहें भाई जी हमारे पास पैसे नहीं है, खाना ले लो कपड़ा ले लो, फिर भी आपको भूख लगी खाना इस होटल में ले लो, मैं पैसा बाद में पति को बता के दूंगी, अगर बीमार हो दवाई ले लो हॉस्पिटल से, हम बाद में देंगे, आपको पैसे देंगे, हमारे पास पैसे नहीं, दवाई चाहिए हॉस्पिटल में जाओ, हम बाद में देंगे, आप दवाई जो चाहे लो, खाना ले लो कपड़े ले लो जो चाहे लो, पैसे नहीं दे रहा सकता है दिए नहीं, लेकिन अगर परिस्थिति आए तो आपका ज्ञान चाहिए ना, ऐसे नहीं ज्ञान सुनो, लेकिन उसको बोलो पानी ले लो दूध ले लो कुछ भी ले लो, पैसे दे देगा, पैसे का दुरुपयोग कर सकता है ना। हॉस्पिटल में ले, हॉस्पिटल में जाओ, इस हॉस्पिटल में जहां जाए जो करो, लेकिन पैसे नहीं, आप जो करना तो करो, दे देंगे आपको, लेकिन पैसे हाथ में देंगे दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए दान करने के लिए मना नहीं है, लेकिन विधि जानना चाहिए। एक कहा पात्र को देखो, एक दान भी करना पड़ता है, फिर भी अगर आपके पास अगर ऐसी परिस्थिति आई, वो भी तीसरी बात है, भाई जी दान नहीं कर रहे कैसे होगा, बाबा का बच्चा है, कहता है कि बीमार है, बच्चे स्कूल में डालना, कुछ बोलता है, क्या करो? आपको भी दया आती है, हाँ दे दो 1,000 रुपए दे दो, फिर वापस देना चाहिए ये इच्छा नहीं रखना, दान दिया गया मेरे हाथ से गया गया, कृष्णा में बाबा के भंडारे में गया, अगर वो कल ला के देता है तो ठीक है, नहीं दिया संकल्प भी करना नहीं, उसने देना चाहिए, बाबा ये आपके बच्चों को दान दिया, हाथ से गया दया, निस्वार्थ भाव से दान करो, नहीं देना चाहिए ऐसे भी नहीं, किधर देना चाहिए कैसे देना चाहिए उसकी विधि चाहिए, हर जगह पर नहीं, कहीं जगह पर नजदीक का होता है देना पड़ता है परिवार में, जैसे अभी आप देखो बॉम्बे में जाओ सब जगह पर गणेश चतुर्थी है, सब घर घर में पैसे मांगने आते हैं,
और देना ही पड़ता है, नहीं देता तो शराब पीकर आवाज करेंगे, कल आपको सहयोग नहीं देंगे, कुछ भी हुआ तो पानी की लाइन कट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी लाइन कट, कुछ तो करेंगे, क्या करें बताओ ऐसे परिस्थिति में। उनका लक्ष्य अलग है, तो भी वो एक दस एक हजार मानता, पांच रुपए दे दो, फूल नहीं दे दो, पकड़ी दे दो, कहीं जगह पर देना पड़ता है। तो उसकी ये लास्ट तरीका, अगर आपके पास कोई अस्त्र नहीं है ना, तब 500 एक लाख हजार रुपए मांगता है तो हमारे पास इतना ही है, 5 रुपए लेके जाओ फिर देखेंगे। ताल दो, थोड़ा कुछ देना पड़ता है कहीं जाइएगा पर, इसका भी उसका चाहिए, समझ में आया। तो कैसे देने, कैसे संसार में चले, संसार में परिस्थिति है, ज्ञान सुनने के लिए ठीक लगता है, संसार में चलते समय आपके सामने परिस्थिति है, ऐसे समय पर क्या करें। तो इसलिए कहा आपने प्रश्न पूछना चाहिए, आपने पूछते तो हमको बताना पड़ेगा।